आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। विधायक पर दुष्कर्म पीड़िता का नाम और फोटो सार्वजनिक करने का आरोप है। यह पोस्को एक्ट के तहत गंभीर मामला है। इसी आधार पर कोर्ट ने पुलिस के क्लीन चिट को खारिज कर दिया है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सह जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी को दुराचार पीड़िता का नाम पता और तस्वीर उजागर करने के लिए पोस्को एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। झारखंड में रघुवर सरकार थी तो इरफान अंसारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। हेमंत सरकार बनने के बाद पुलिस ने विधायक को क्लीन चिट दी, लेकिन धनबाद कोर्ट की नजर में विधायक पर मामला बनता है। इसी आधार पर कोर्ट ने पोस्को एक्ट के तहत मामला चलाने का कार्य किया। विधायक अंसारी पर दर्ज मामले में विधानसभा चुनाव के बाद हेमंत राज ने पुलिस ने इस मुकदमे में विधायक को क्लीन चिट दी और उसके निजी सचिव तारकेश्वर राय ने के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। पुलिस ने विशेष न्यायालय में आवेदन किया कि विधायक के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिला है। पुलिस की दलील को खारिज करते हुए विशेष न्यायालय ने आदेश दिया कि प्रथम दृष्टया आरोप सही दिखता है, इसलिए इरफान अंसारी को अदालत में हाजिर होना होगा। वैसे इस केस में विधायक और उसके निजी सचिव जमानत पर है। दरोगा मंजूर आलम की शिकायत पर जामताड़ा थाना में दर्ज प्राथमिकी में कहा गया कि 28 अक्टूबर 2018 को दोपहर 3 बजे विधायक इरफान अंसारी अपने समर्थकों के साथ 4 साल की दुष्कर्म पीड़िता और उसके परिजनों के प्रति सहानुभूति जताने के लिए अस्पताल गए थे। अस्पताल में विधायक ने पीड़िता का नाम और पता लिया, तस्वीर भी खिंचवाई, फिर उसे सार्वजनिक कर दिया। इस केस में विधायक और उसके निजी सचिव ने जमानत ली। इसी बीच विधानसभा चुनाव हुआ, एनडीए की जगह यूपीए की सरकार आ गई। 19 फरवरी 2020 को अनुसंधानकर्ता इंद्रजीत पाठक ने साक्ष्य की कमी बताते हुए इरफान को क्लीन चिट दी। उसके निजी सचिव तारकेश्वर राय के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था। पोस्को अदालत के विशेष न्यायालय ने मुकदमा चलाने हेतु प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य माना है। दोनों को अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया है। किसी नाबालिग के साथ लैंगिक अपराध होता है तो पोस्को एक्ट के तहत पीड़िता का नाम पता और पहचान उजागर करना गैर कानूनी है। ऐसा करने पर दंड का प्रावधान है। बैंक मोड़ विकास नगर में बुधवार को सतीश सिंह की हत्या के मामले को लेकर आज केंदुआदेही थाना क्षेत्र के केंदुआ बाजार और आसपास के मेन रोड धनबाद बोकारो को स्थानीय लोगों ने रोड जाम कर दिया है। पुलिस मौके पर मौजूद, जाम छुड़ाने के भरपूर प्रयास किया जा रहा है। लोगों का यह मान है कि सतीश का शव तत्काल हम लोगों को दे दिया जाए। प्रशासन द्वारा सतीश सिंह की मृत्यु होने के बाद कोरोना पॉजिटिव बताया गया है, उसको लेकर के केंदुआ में रहने वाले लोगों में गुस्सा उबला, इसी को लेकर के रोड जाम किया गया है। महिलाएं, बुजुर्ग और युवाओं